हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 10 चैप्टर 5 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n² व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, ये फाइंड करना है हमें सब। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म, टेंथ एंड द nth टर्म, साथ में ये भी फाइंड करना है थर्ड टेंथ और nth टर्म। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमारे पास सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स कितने गिवन है, इट मीन्स sn हमारे पास गिवन है 4n - n²। अब जैसे आप वन पुट करोगे, जैसे कोई सीरीज है हमारे पास एपी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। अगर हमें मान लीजिए 3 टर्म्स का सम गिवन हो तो हम मैं इसको ऐसे राइट करूँगा s3। आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज करके फाइंड कर सकते हो n/2a + n-1 d। अब देखिए ये जो गिवन सीरीज है हमारे पास s3, इसमें जो तो 3 टर्म्स है इसका सम होगा 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12। इट मीन्स s3 हमारे पास गिवन होगा 12। जब और ऐसे ही s2, इट मीन्स दो टर्म्स का सम 4 + 2 = 6। अगर s1 की बात करें तो इट मीन्स 2। अब देखिए मुझे इससे वापस सीरीज बनानी है तो s1 में राइट करूँगा ये 2। अब सेकंड टर्म्स मुझे फाइंड करनी है तो सेकंड वाले सम में से फर्स्ट वाले सम को मैं माइनस करूंगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। ऐसे ही मुझे थर्ड टर्म्स फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म्स में से उससे पहले वाली जो सम है उसको मैं माइनस करूंगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। तो हमारे पास एपी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने इसलिए समझाया था ताकि एन टर्म्स अगर हमें फाइंड करना है तो इट मीन्स ऐसे माइनस और उससे जस्ट एक पहले वाली जो सम है उसमें से माइनस करना होगा। इट मीन्स आपको ये फॉर्मूला याद होगा जैसे हमने याद किया, ठीक है ना। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है सम से तो sn में से जस्ट उससे पहले वाला सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टर्म्स निकल भी जाएगी। देखिए इसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है 11 इसको लेकर चलते हैं। sn = 4n - n² पुट n = 1। 1 पुट करते फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी फर्स्ट टर्म का सम, इट मीन्स s1 4 × 1 - 1² सिंप्लीफाई करेंगे s1 = 4 - 1² 1, इट मीन्स 3। तो जैसे ही हमारा जो s1 आया इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है a1, ये 3। अब मुझे अगेन n की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो वो सेकंड फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सम देगा मैं, तो पुट n = 2 पुट किया हमने इसमें तो ये आएगा s2 = 4 × 2 - 2² 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। लेकिन देखिए ये s2 मीन्स होता है 2 टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, लेकिन हमें अगर a2 फाइंड करना है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे an = sn - sn - 1। n की वैल्यू अगर सेकंड टर्म्स हमें फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, इट मीन्स a2 = s2 - 2 - 1 means s1। तो s2 में से अगर s1 माइनस करें तो सेकंड टर्म्स हमारे पास फाइंड होगी, s2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और s1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, इट मीन्स सेकंड टर्म्स a2 हमारे पास क्या हो गई 1। ऐसे ही थर्ड टर्म्स फाइंड करते हैं, देखिए ऐसे ही हम थर्ड टर्म्स फाइंड करेंगे। तो करते हैं यहाँ पर सब, हमें थर्ड टर्म्स के लिए पुट n = 3 पुट करना होगा गिवन s3 = 4 × 3 - 3²
देखिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एस थ्री, फोर थ्री से ट्वेल्व, और थ्री का स्क्वायर थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन होता है, ट्वेल्व में से नाइन माइनस करेंगे ये आएगा हमारे पास। अब अगेन हमें थर्ड टर्म्स फाइंड करनी है, क्योंकि ये एस थ्री में थ्री टर्म्स का सम है, लेकिन हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म्स। तो फॉर्मूला अगेन ये वाला यूज करेंगे हम, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। थर्ड टर्म्स के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, इट मीन्स ए थ्री, यहाँ पर भी थ्री, एस थ्री, थ्री में से वन माइनस करेंगे तो टू, इट मीन्स थर्ड वाले जो सम में सेकेंड वाले सम को अगर माइनस कर दें तो थर्ड टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। एस थ्री की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमारे पास, थ्री, और एस टू की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमारे पास, देखिए ऊपर, फोर, एस टू की वैल्यू क्या है, फोर। अब थ्री में से फोर तो माइनस होगा नहीं, बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन, फोर में से थ्री माइनस कर दो, आंसर नेगेटिव आएगा, फोर में से थ्री माइनस वन, इट मीन्स थर्ड टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, माइनस वन। तो यही हमें फाइंड करना था, देखिए थर्ड टर्म्स हमारे पास माइनस वन आई। अब टेंथ टर्म और nth टर्म हमें फाइंड करना है, तो ये एक सीरीज बन गई हमारे पास AP, AP सीरीज क्या बनी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इसमें, थ्री, सेकेंड टर्म्स इट मीन ए टू की वैल्यू क्या है, वन, थर्ड टर्म्स क्या है, माइनस वन, ऐसे ही अगेन। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, वन माइनस थ्री, माइनस टू का डिफरेंस है, वन में माइनस टू किया माइनस वन, माइनस वन, ठीक है, तो माइनस टू का डिफरेंस है, तो माइनस टू एड करके आप आगे की टर्म्स फाइंड कर सकते हो, तो माइनस वन में माइनस टू एड किया तो माइनस का थ्री, ऐसे माइनस फाइव, सो ऑन चलता रहेगा, ये ए पी बन गई हमारे पास। अब जब गिवन ए पी है तो हमें टेंथ टर्म और एनथ टर्म इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। गिवन ए पी में वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, थ्री, एंड डिफरेंस कितना है, वन माइनस थ्री, इट मीन्स माइनस टू। अब टेंथ टर्म हमें फाइंड करनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। टेंथ टर्म हमें फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन, ए टेन इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू ऑफ ए कितना है, थ्री, पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पर टेन हो जाएगा, टेन माइनस वन मल्टीप्लाई, डिफरेंस हमें पता ही है माइनस टू है, गिवन ए पी, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ए टेन इक्वल टू थ्री, टेन माइनस वन नाइन, नाइन इंटू माइनस टू माइनस एटीन, इट मीन्स एटीन में से थ्री माइनस करो फिफ्टीन, बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव, माइनस का फिफ्टीन, तो टेंथ टर्म हमारे पास क्या आई, हमारे पास टेंथ टर्म माइनस फिफ्टीन आंसर। और साथ में nth टर्म भी हमें फाइंड करनी है, nth टर्म के लिए nth टर्म का ही फॉर्मूला सेम an यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई, nth टर्म्स के लिए n की वैल्यू n एज इट इज रहेगा, वैल्यू ऑफ a हमें पता है फर्स्ट टर्म थ्री है, प्लस n माइनस वन, डिफरेंस पता है, लेकिन हमें डिफरेंस कितना है, माइनस टू, तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस टू, ए एन इक्वल टू सिंपलीफाई करेंगे थ्री प्लस, अब देखिए माइनस का टू को प्लस के एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, टू बन जाए टू, थ्री प्लस टू कितने हो जाएगी, फाइव, माइनस टू है, तो एनएच टर्म हमारे पास क्या आई, एनएच जो टर्म आई हमारे पास फाइव माइनस टू है, यही हमें फाइंड करना था इसमें।